हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है डिजिटल पेंटिंग पार्ट टू। पहले के पार्ट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो ये सैमसंग गैलेक्सी नोट का मोबाइल है और इसमें ये एक पेन अप करके एक ऐप है। इस ऐप में कलरिंग टैब में आपको बुक्स के अंडर एक ऑप्शन है पैटर्न्स, जहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। तो पेंटिंग्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुछ पेंटिंग्स हमने पहले वाले वीडियोस में देख ली थी। इसमें हम देखेंगे ये वाली पेंटिंग। ये पेंटिंग मुझे कुछ टेंट के शेप्स टाइप लगी। तो मैंने इमेजिन किया कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे टेंट्स हैं। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि सारे कलरफुल टेंट्स हो, तो इसलिए जितने भी ब्राइट कलर्स थे मेरे पैलेट में, मैंने उससे ये सब फिल कर दिए। और जो थीम मैंने यूज़ किया है, जितने भी ब्राइट कलर्स थे वो और उसके डार्क शेड्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का डार्क शेड, ऐसे मैंने इसको फिल किया। ब्लू, ब्लू का डार्क शेड, पर्पल उसका डार्क शेड, इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्राइट टेंट्स। उसके बाद मैंने एक ये वाला पैटर्न भी फिल किया है। इस पैटर्न में जैसे आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा व्हील जैसा लग रहा है और मैंने इसमें अल्टरनेट कलर थीम्स ट्राई किया है। ब्लू एंड ग्रीन इस तरह से मैंने किया है, रेड येलो एंड देन पर्पल ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे ट्राई किया है। नेक्स्ट पिंक एंड ब्लू। और फिर मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पे ऐसे लाइट शेड्स दे दिए हैं कलर के। जो भी कलर्स मैंने यूज़ किया है व्हील में, वो कलर्स मैंने बाहर एकदम लाइट शेड पे, जैसे आप वाटर कलर्स यूज़ करते हो और एक बड़ी साइज़ की ब्रश, जैसे 7-8, उससे आप कैसे कलर का वॉश देते हो, उस तरह से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में दिया है। नेक्स्ट पेंटिंग है ये वाली। इसमें आप देख सकते हैं, ये मुझे रंगोली की याद दिलाता है, जो हम लोग यूजुअली दिवाली पे अपने घर के बाहर बनाते हैं। तो जैसे कि महाराष्ट्र में तो काफ़ी ऐसे छापे भी मिलते हैं जिससे आप वो रंगोली बना सकते हो। तो ये पैटर्न मुझे काफ़ी हद तक वैसा लग रहा था। तो मार्केट में जो छापे मिलते हैं, आपको एज इट इज़ वो प्लेस करना है फ्लोर पर और उसके ऊपर आपको सिर्फ कलर स्प्रिंकल करना है। तो वही रिलेट करके मैंने इस पेंटिंग में किया है। आप देख सकते हो कि इस पेंटिंग में काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, लेकिन मैंने डिज़ाइन बेसिस पे कलर फिल नहीं किया है, मैंने ओवरऑल कलर फिल किया है। तो सेंटर में येलो है, देन ग्रीन, देन पर्पल, पिंक एंड देन रेड। तो इस तरह से मैंने सब में कलर फिल किए और ये बहुत ही सिमेट्रिकल काइंड ऑफ लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बैकग्राउंड में मैंने ग्रे कलर फिल किया है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पेंटिंग। है मेरी वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग्स है डिजिटल में जो मैंने बनाई हैं। बहुत ही क्यूट लगती है और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है हमेशा, एंड देन पिंक एंड पर्पल एंड रेड आल्सो। उसके बाद ये एक पेंटिंग है। ये वाली जो पैटर्न है, मुझे काफ़ी माउंटेन रॉक्स के तरह लग रहा था। और हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक ही कलर दूं, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे कलर्स ट्राई किए। जैसे आप देख सकते हैं, ब्राउन है, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रे। तो इसके शेड्स यूज़ करके मैंने ऐसा यहाँ पे अप्लाई किया है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ रॉक माउंटेन टाइप। नेक्स्ट पेंटिंग है ये वाली। इसमें आप देख सकते हैं, ये एक फ्लावर है जिसके पेटल्स में बहुत सारे लाइंस हैं। तो अगेन मैं नहीं चाहती थी कि मैं हर एक लाइन में अलग अलग कलर फिल करूं, मैं कुछ कॉम्बिनेशन चाहती थी, कुछ शेड्स ऑफ कलर चाहती थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि हर एक पेटल में मैंने कम से कम 3-4 कलर्स यूज़ किए हैं और उन सबके शेड्स हैं, मिक्स्ड शेड्स,
जिससे बहुत अच्छा लग रहा है। और बैकग्राउंड में मैंने एक लाइट कलर दिया है ताकि इसके पेटल्स फूट के आए। और इसमें काफ़ी लाइट शेड्स भी मैंने यूज़ किए हैं, डार्क भी यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला भी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाला, ये कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसको काफ़ी रियल टच दिया है। फ्लावर्स मुझे पिंक पर्पलिश भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो कलर ट्राई किया। ग्रीन शेड्स दिए हैं मैंने लीव्स में, और फिर मैंने स्काई का ब्लू कलर का शेड दिया है। काफ़ी रियलिस्टिक रखने के लिए मैंने उसको इस तरह से पेंट किया है। नेक्स्ट मुझे ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रश में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कैलीग्राफी का भी एक ऑप्शन है, तो वो ट्राई करके मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो ड्राइंग का एक पार्ट ये भी है कि आप कैसे टेक्स्ट लिख सकते हो यूजिंग यू नो कलर्स ब्रश एंड ऑल दैट, तो वही ऑप्शन इस ऐप में भी है, तो मैंने वो ट्राई किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मुझे ये कोट लिखना था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो इसलिए मैंने गोल्ड का जो सिमिलर कलर है गोल्डनिश येलो उस टाइप के शेड्स का मैंने बैकग्राउंड दिया है, और उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से ये टेक्स्ट लिखा है। मेरे को वैसे कैलीग्राफी इतनी अच्छे से आती नहीं है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रही थी वो ऑप्शन। ऑफकोर्स इससे भी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ये वाला पेंटिंग है, और ये वाला पेंटिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस पेंटिंग को इस तरह से आइडेंटिफाई किया है कि जैसे कि ये कोई एक रिफ्लेक्शन है। मुझे ऐसे लगा जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, और जो इसके ऊपर है वही यहाँ पे इसके नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वही सब सोच के और मैंने इमेजिन किया कि ये कोई एक ट्री है, और ये उसके लीव्स हैं, और पानी है जहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो मैंने इस तरह से इसको कलर किया है। ट्री को मैंने काफ़ी ब्राउन कलर के शेड्स दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैंने लीव्स पे अलग अलग ग्रीन कलर्स ट्राई किए हैं, और फिर इनको फ्रूट्स फ्लावर्स समझ के मैंने इसको अलग कलर दिया है। और फिर जैसे ट्री के पीछे आपको स्काई भी दिखता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर दिया है। और फिर हो सकता है बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे कलर्स हो, तो वो सब सोच के मैंने इस पेंटिंग को इस तरह से कलरफुल किया है। एक ये वाली पेंटिंग है, सो बेसिकली इसको मैंने उस तरह से रिलेट किया है जैसे जब हम स्कूल में थे, साइंस सब्जेक्ट में एक प्रिज्म करके एक ऑब्जेक्ट होता था, सो वो प्रिज्म के तरह मुझे ये लगा, इसलिए मैंने इसमें उस तरह से कलर शेड्स दिए हैं। जैसे एक प्रिज्म में लाइट के वजह से कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, वही टच मैंने इस पेंटिंग में देने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन पिंक ऑरेंज ब्लू पर्पल बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, एंड सबको एक वॉश के तरह स्प्रेड किया है ताकि वो कलर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, अलग अलग नहीं लगे, और ऐसा लगे कि उस पर कोई लाइट गिर रही है जिसकी वजह से कलर्स का ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम बाकी के पेंटिंग्स देखेंगे। सो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।